मित्रों नमः संस्कृता। प्रत्यय प्रकरण में आज हम त और तवत प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे कि यह त और तवत प्रत्यय कैसे शब्द बनाते हैं, इनसे बनने वाले शब्द अव्यय बनेंगे कि स्त्रीलिंग के बनेंगे कि किस संदर्भ में बनेंगे, इसी सब की चर्चा करेंगे। और आगे जो दिया है त तवत प्रत्यय क्या होते हैं और इन प्रत्यय का किस अर्थ में बोध होता है, इन सब की चर्चा करेंगे। हाँ, और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों को भी जो है इसके बारे में बताएं। तो चलो करते हैं कुछ ज्ञान की बात। तो आज हमारा जो प्रत्यय है त और तवत प्रत्यय है, तो त और तवत प्रत्यय को हमने बताया था कि त और तवत प्रत्यय भूतकाल का अर्थ देता है। त और तवत को निष्ठा संज्ञा भी कहते हैं, अर्थात त तवत की निष्ठा संज्ञा होती है। पूछ देगा कि निष्ठा संज्ञा प्रत्यय है तो चार ऑप्शन दे देगा, तो उसमें त लिखा रहेगा एक ऑप्शन में या किसी एक ऑप्शन में तवत, माने कोई दोनों में से एक रहेगा। तो आप सही का ट्रिक लगाना कि त और तवत प्रत्यय जो है निष्ठा संज्ञक होते हैं। त तवत प्रत्यय कैसे शब्द बनाते हैं या किस अर्थ में शब्द देते हैं, त और तवत प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में शब्द देते हैं। तो हमने बताया कि त में जो है और तवत में, त में जो क की लसक तद्धिते से लोप होकर त शेष बचता है और तवत में क की लसक तद्धिते से इत संज्ञा, और त तू में जो है उकार है वह अनुनासिक था तो उपदेशे अज अनुनासिक से उसकी इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप कर देंगे तो तवत शेष बचेगा। तो अब इसमें कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएंगे कि कैसे ये क्या बनाते हैं शब्द। तो जैसे एक धातु है और वह धातु है क्रे, वह धातु है क्रे, और इसमें जब हम त प्रत्यय लगाएंगे तो हमने बताया इधर त शेष बचता है, इधर तरह शेष बचता है, तो जब इसको लगा देंगे तो क्या बनेगा नया शब्द, कृत शब्द बनेगा। क्या शब्द बनेगा, कृत शब्द बनेगा। और इसको जब मिला देंगे नया शब्द हमारा कृत बन गया। ये विसर्ग कहाँ से आया, जब प्रथमा एकवचन की विवक्षा में जाएंगे तो सु आदि आएगा, तो उन सु आदि के लिए सु का जो है विसर्ग होता है, कृत बन गया। इसी तरह आप जो है खाद धातु ले लीजिए, खाने के अर्थ में है, इसमें जो है आप त प्रत्यय लगाएंगे, त प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा जो है, हमने बताया था धातुओं में गुण कार्य यथास्थान होंगे, तो इसमें इस प्रत्यय में भी धातुओं में गुण कार्य होते हैं। तो खाद में तो हमारा बनेगा खा द, यहाँ पर गुण या इट का आगम होगा, इस प्रत्यय में जो है इट का आगम हुआ तो इट हो गया, आगे हमारा त बचा, और जब इसको मिला देंगे तो खादितम खादित शब्द बनेगा। खा है द में ई मिल जाएगा, खादी और आगे ट की हलंतम से इट संज्ञा, और नया शब्द हमारा बनेगा खादित। नया शब्द हमारा क्या बना, खादित। एक एग्जांपल और लेते हैं और वह हमारा एग्जांपल है लिखत। वह हमारा एग्जांपल क्या है, लिख धातु है और इसके सामने हमने त प्रत्यय लगाया, इसमें भी जो है हमने बताया था इट का आगम होगा, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं इट का आगम कराती हैं, तो नया शब्द हमारा बना लिख और इट का आगम हो गया और आगे त शेष बचा, तो त का हलंतम से लोप हो गया या हलंतम से इट संज्ञा तस लोप से लोप, और नया शब्द हमारा बनेगा ली खी लिखित बना। और जब प्रथमा एकवचन की विवक्षा में सु आदि आएंगे तो लिखत शब्द बनेगा। क्या शब्द बनेगा, लिखत शब्द बनेगा। इसी प्रकार से आपको ढेर सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अब आते हैं हम तवत प्रत्यय को इसी धातुओं में जोड़ेंगे, इसी धातुओं में जो है हम तवत प्रत्ययों को जोड़ेंगे, और वह हमारा जो तवत प्रत्यय है उसमें हमने बताया था तवत का जो है क लसक तद्धिते से लोप, तवत में जो ऊ है उपदेश से अज अनुनासिक से उसका लोप हो जाएगा, जो यह उपदेश से अज अनुनासिक से लोप हो गया तो बचेगा हमारा क्या, तवत शेष बचेगा। तो चलिए जो जो धातुएं ली थी, क्री धातु है और इसमें हमने तवत प्रत्यय लगाया तो इधर बनेगा क्री और इधर हमारा शब्द हो जाएगा
कृतवत, इधर हमारा शब्द क्या बनेगा कृतवत। और जब इसका इसको मिला देंगे तो क्या बनेगा नया शब्द बनेगा कृतवत, नया शब्द क्या बनेगा कृतवत बनेगा। तवत प्रत्यय कृत धातु में लगा तो कृतवत बना। और जब इसमें प्रथमा एक वचन की विवक्षा में ले जाएंगे तो आपको एक रूप याद होगा भवत शब्द, क्या शब्द था भवत। जैसे भवत का रूप प्रथमा एक वचन में क्या चलता है भवान चलता, क्या चलता है भवान, भवंतौ भवंत है। उसी तरह इसका भी रूप क्या चलेगा कृतवत, तकारांत है, हलंत शब्द रूप चलेंगे इसके, क्योंकि यह हलंत त वर्ग है। तो कृतवत का भी क्या चलेगा नया रूप बनेगा कृतवान, नया रूप क्या बनेगा कृतवान। तो आपसे पूछा जाएगा कि कृतवान में कौन सा प्रत्यय है, तो आप यहाँ पर तवत दिखाई ही नहीं पड़ेगा, तो कृतवान में तवत प्रत्यय है, यह प्रथमा एक वचन का रूप है, प्रथमा एक वचन का रूप है कृतवान, कृतवंतौ कृतवंत है। उसी तरह भवान, भवंतौ भवंत है। तो जैसे भवत का रूप चलता है उसे कृतवान, स्त्रीलिंग में शब्द बनाना होगा तो कृतवती बनेगा, स्त्रीलिंग में शब्द बनाना हो तो क्या बनेगा कृतवती। और नपुंसक लिंग में बनाना होगा तो यही सेम टू सेम बनेगा कृतवत, नपुंसक लिंग में क्या बनेगा कृतवत। तो यह प्रातिपदिक है, यह पुल्लिंग है, यह स्त्रीलिंग है, यह नपुंसक लिंग के शब्द हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया कि कृ से तवत प्रत्यय लगाएंगे तो कृतवत बना, प्रथमा एक वचन की विवक्षा में कृतवान बनेगा, स्त्रीलिंग में कृतवती बनेगा और नपुंसक लिंग में कृतवत बनेगा। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और वह हमारा एग्जाम्पल है खाद धातु लिए थे, उसी खाद धातु पर हम इसको बैठाएंगे तो बैठ जाएगा। खाद धातु, खाद धातु खाने के अर्थ में थी, और इसमें हमने जो है तवत प्रत्यय लगाया, कौन सा प्रत्यय लगाया तवत प्रत्यय लगाया। हमने बताया था कि धातुओं में गुण कहीं कहीं पर ईट का आगम होगा, यहाँ पर ईट का आगम आ गया और आगे तवत शेष बचा, तवत शेष बचा। जब इसको मिलाएंगे तो नया शब्द क्या बनेगा खा दीट का जो इट मिट्टा है हलंतम से इट संज्ञा तस लोभ से लोभ ई जो हट्टा द में मिल गया, आगे तवर बना था तो खादी खादी तवत बना, क्या शब्द बना खादी तवत बना। लेकिन प्रथमा एक वचन की विवक्षा में जब इसको रूप बदलेंगे तो सु आदि आकर क्या बनेगा खादितवान बनेगा, क्या बनेगा खादितवान। तो आपसे यही पूछेगा कि खादितवान में कौन सा प्रत्यय है, खादितवान में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको अंत में तवत दिखाई ही नहीं पड़ेगा, वान वान शब्द दिखाई पड़ेगा। तो आप परेशान मत होना, यह प्रथमा एक वचन में रूप बना है पुलिंग में, और स्त्रीलिंग में खादितवती, नपुंसक लिंग में खादी तवत बनेगा, नपुंसक लिंग में खादी तवत, पुलिंग में खादितवान, स्त्रीलिंग में खादित खादितवती। तो ये दो एग्जाम्पल थे, इसी तरह लिख धातु होगा तो लिख में जब तवत प्रत्यय लगाएंगे ईट का आगम होगा तो लिखितवत बनेगा। तो जब प्रथमा एक वचन की विवक्षा में ले जाएंगे सु आदि लगेगा लिखितवान बनेगा, स्त्रीलिंग में लिखितवती बनेगा, नपुंसक लिंग में लिखितवत बनेगा। सभी अर्थ जो है भूतकाल के बोध होंगे। तो आज हमने जो है तवत प्रत्यय के बारे में जाना, इसके कुछ और उदाहरण हैं हम बोल देते हैं, उसको आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जैसे कृ धातु है खरीदने के अर्थ में था, क्रीत है बनेगा, और जब उसको जो है तवत प्रत्यय लगाएंगे कृतवान बनेगा, क्रीड धातु है क्रीडित है बनेगा, छिप धातु है छिप्त बनेगा, गण धातु है गणित है बनेगा, गम धातु है गत है बनेगा, और उसके बाद गय धातु है गाने के अर्थ में गीत है बनेगा, और उसके बाद ची धातु है चुनने के अर्थ में चित है बनेगा। और इसी तरह जब इसमें तवत प्रत्यय लगाएंगे तो जैसे कृ धातु में लगाए कृतवान हो गया,
क्री धातु में लगाए क्रीडितवान हो गया, क्षिप धातु में लगाए क्षिप्तवान हो गया, खाद धातु में लगाए खादितवान हो गया, गय धातु में लगाए गीतवान हो गया, ची धातु में लगाया चितवान हो गया। इसी तरह से बहुत ढेर सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। तो बस आपको प्रक्रिया समझनी है, शब्द कोई भी होगा आप उसको प्रयोग कर कर उसको आप बना लोगे। हमें ढेर सारा उदाहरण याद करने को सकते हैं, हम दो चार ही याद करें लेकिन उसको अच्छे से याद कर लेंगे तो प्रत्यय कोई भी पूछेगा तो हम उसका कहीं से भी हो चाहे वो उसमें कितना भी परिवर्तन हो हम उसको जो है पकड़ लेंगे। तो आज हमारा त और तवत प्रत्यय के बारे में चर्चा की, और इससे संबंधित अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नए टॉपिक के साथ किसी अन्य दिन आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।